गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग एक क्लास कर चुके हैं, क्लास 8 का, जिसमें 2.1 कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 लीनियर इक्वेशन। हम लोग का चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन। इसके बारे में हम लोग पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, कह रहा है कि अगर किसी नंबर में, एक नंबर में अगर हम 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, मीन घटाते हैं, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, और जो रिजल्ट आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट, तो हम लोग को मिलता है, क्या मिलता है, 1/8। व्हाट इज अ नंबर, तो वो नंबर क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी एक नंबर में 1/2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो रिजल्ट आता है उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, 1/8, तो वो नंबर क्या है। तो ये आपका वर्ड प्रॉब्लम है, जो चीज़ फाइंड करना है, कोई भी क्वेश्चन हो, जो चीज़ फाइंड करना है, इसमें हम लोग को फाइंड करना है नंबर, तो उस चीज़ को हम एक्स मान लेंगे। तो इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे सॉल्यूशन। हम लोग को पूछा गया व्हाट इज द नंबर, तो वो नंबर क्या है, तो नंबर हम मान लेते हैं एक्स। लेट एक्स बी द नंबर, क्या है, मान लिए एक्स बी द नंबर, वो नंबर है जिसमें हम लोग 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या आएगा, 1/8। तो लेट एक्स बी द नंबर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या कहता है कि इस नंबर में 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एक्स माइनस 1/2 कर दिए, इस नंबर में 1/2 को क्या किए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब जो रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आ गया, एक्स माइनस 1/2, तो इस रिजल्ट को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, कितना से, 1/2 से, तो 1/2 से हम मल्टीप्लाई कर दिए, यू गेट, तो आप पाइएगा, क्या पाइएगा, 1/8, 1/8, समझ में आ गया। नंबर एक्स है, एक्स में 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दिए और जो रिजल्ट आया उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या मिला हम लोग को, 1/8। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, नंबर मिल जाएगा 1/2, ये देखते हैं मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x माइनस 1/2 इक्वल टू 1/8, ये 1/2 है इधर आएगा तो पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, 2/1, क्यों, क्योंकि डिवाइड में चला जाता है, तो डिवाइड में होगा तो पलट जाएगा, 1/2 था इधर आया, आरएचएस साइड ले गए हैं तो क्या हो गया, 2/1, ये 2 से ये कट जाएगा, कितने बार में, 4 बार में, तो आ गया एक्स माइनस 1/2 इक्वल टू, ना न्यूमरेटर में बच गया 1 और डेनोमिनेटर में 4 1 जा 4, तो x इक्वल टू कितना जाएगा, x इक्वल टू, ये माइनस में है, फ्रैक्शन को एक साइड कर देंगे और वेरिएबल को एक साइड कर देंगे, x रख दिए वेरिएबल को, ये माइनस में है, इसको ले जाएंगे RHS में, बन जाएगा प्लस, तो पहले RHS को लिख लीजिए, 1/4 है, ये माइनस था इधर आया तो 1/2 आ गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 4 2 का एलसीएम क्या होगा, 4 आएगा, 4 1 जा 4, 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, प्लस 2 को कितना बार पढ़ेंगे, 4 आएगा 2 टाइम्स, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 2 और 1 कितना हो गया, 3, और डेनोमिनेटर में बचेगा 4। मीन्स हम लोग का जो नंबर फाइंड करना था वो नंबर क्या होगा, 3/4, ये आंसर आएगा हम लोग का। एक्सरसाइज 2.2 का है, एनसीईआरटी बुक का है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
Question number two. The perimeter of a rectangular swimming. The perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meters. Its length is 2 meters more than width. Its width. What are the length and width? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर टू है, क्या कह रहा है. द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल. एक स्विमिंग पूल है जिसका साइज क्या है, रेक्टेंगुलर है, यानी रेक्टेंगल का जैसा है. इसका पैरामीटर दिया हुआ कितना, 154 मीटर. और कह रहा है कि इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्विथ इट्स ब्रेथ. इसका जो लंबाई है मीन्स लेंथ, वो 2 मीटर अधिक है किससे, ब्रेथ के ट्विस्ट. यानी ब्रेथ अगर एक्स मानेंगे तो लेंथ क्या हो जाएगा, ट्विस्ट मतलब दो गुना, 2x प्लस 2 मीटर. 2 मीटर अधिक है. तो व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ. उस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ मीन्स लंबाई और चौड़ाई हम लोग को फाइंड करना है. सबसे पहले रफ स्केच करते हैं, देखते हैं. एक रेक्टेंगुलर ले लिया रेक्टेंगल, इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों निकालना है हम लोग को, फाइंड करना है. तो द पैरीमीटर दिया हुआ है, द लेंथ इज 2 मीटर मोर देन, इससे अधिक है ब्रेथ से, जिससे अधिक है उसको एक्स मानिए, ब्रेथ को मानिए क्या, एक्स मीटर. लेट एक्स बी द ब्रेथ, एक्स मीटर बी द ब्रेथ, ब्रेथ ब्रेथ मानिए एक्स मीटर. देन तो लेंथ कितना हो जाएगा, ट्विस्ट. इसका ट्विस्ट कितना हो जाएगा, 2x, ट्विस्ट मतलब दो गुना, तो x का दो गुना कितना हो जाएगा, 2x, उससे ज़्यादा है कितना, 2 मीटर, तो 2x प्लस 2 मीटर आ जाएगा. तो लेंथ और ब्रेथ निकल गया. यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट x मीटर दिया ब्रेथ of swimming pool. Swimming pool को pool का x मीटर ब्रेथ मान ली, तो लेंथ कितना हो गया, तो ब्रेथ को क्या बोलते हैं कि b इक्वल टू हो गया x मीटर और l इक्वल टू कितना आ जाएगा, ट्विस्ट, दो गुने से दो अधिक, 2x प्लस 2 मीटर. ये हम लोग आ गया लेंथ. चलिए अब हम लोग पहले से जानते हैं ये नो डाइट, हम लोग जानते हैं कि द पैरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू 2 × l + d. तो उस फार्मूले के थ्रू से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. अब पैरीमीटर हम लोग का दिया हुआ है, पैरीमीटर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 154 मीटर. वी नो डाइट पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, 2 × l + d. अब पैरीमीटर दिया हुआ कितना है, 154. तो इधर लिख दिया 154 इक्वल टू
टू इन टू एल, एल कितना दिया हुआ है, टू एक्स प्लस टू, एल कितना है टू एक्स प्लस टू, प्लस बी, बी कितना है एक्स, पुट कर दिए वन फिफ्टी फोर इक्वल टू टू इंटू टू एक्स और एक एक्स कितना हो जाएगा थ्री एक्स, थ्री एक्स प्लस ये कॉन्स्टेंट है टू, अब देखिए पहले इधर लिखते हैं टू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो टू को मल्टीप्लाई से इधर ले जा सकते हैं हम लोग, डिवाइड में भी कर सकते हैं, तो चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना जाएगा सिक्स एक्स फिर प्लस टू टू जा फोर इक्वल टू वन फिफ्टी फोर। पहले हम आर एच एस को लिखे फिर एल एच एस को लिखे, आप इसको लिख सकते हैं ये रूल है, किसी भी इक्वेशन का एल एच एस और आर एच एस को आप चेंज कर सकते हैं, तो एल एच आर एच एस को पहले लिख दिए टू थ्री जा सिक्स सिक्स एक्स प्लस टू टू जा फोर और एल एच एस में हम लोग का कितना था वन हंड्रेड फिफ्टी फोर। अब इसमें देखते हैं सिक्स एक्स इक्वल टू 154 ये आपका कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल को रख दिया एलएचएस में, कांस्टेंट को आरएचएस में ले जाते हैं, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो 6x इक्वल टू 154 में 4 को माइनस कर दीजिए कितना आएगा 150, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 150 ये 6 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, थ्री टू जा सिक्स थ्री फाइव जा फिफ्टीन कट गया ट्वेंटी फाइव, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 25 मीटर। एक्स को क्या माने हम लोग ब्रेथ, ब्रेथ आ गया 25 मीटर और लेंथ फाइंड कर लेते हैं, ब्रेथ इक्वल टू एक्स माने सर एक्स का वैल्यू कितना आ गया 25 मीटर, ब्रेथ निकल गया। लेंथ इक्वल टू क्या माने थे 2x प्लस 2, दैट मीन्स 2 इंटू एक्स का वैल्यू 25 प्लस 2, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 50 प्लस 2, दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 52 मीटर, यही हम लोग का आंसर होगा। इस स्विमिंग पूल का लेंथ आ गया कितना 25 मीटर, सॉरी ब्रेथ आ गया 25 मीटर और लेंथ आ गया 52 मीटर। क्वेश्चन नंबर थ्री आपको खुद से सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए, अगर नहीं सॉल्व होता है तो फिर हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, सम ऑफ टू नंबर इज 95, कहता है सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, दो नंबर नंबर्स की सम जो है वो 95 है, इफ वन एग्जिट्स द अदर बाय 50, फाइंड द नंबर, ये भी आप लोग से सॉल्व हो जाना चाहिए। देख लीजिए दो नंबर
को अगर ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, 95। और कहता है कि इसका एक नंबर जो है वो दूसरे से 15 अधिक है। इफ वन एग्जिस्ट द अदर बाय 15, पहला नंबर दूसरे से कितना अधिक है, 15। इसको सॉल्व कर लेंगे। लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स मान लीजिए, सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, कितना अधिक है, 15। x प्लस 15 होगा, एक नंबर दूसरे से 15 अधिक है, तो एक नंबर को ले लिए x, तो सेकेंड अदर नंबर कितना हो जाएगा, x प्लस 15। अब क्वेश्चन क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ टू नंबर इज 95, मीन्स दैट मीन्स x प्लस 15 इक्वल टू 95। x प्लस 15 दोनों नंबर को ऐड कर दिए इक्वल टू कितना बोल रहा है, 95। x और x कितना जाएगा, 2x प्लस 15 इक्वल टू 95। तो 2x इक्वल टू 95, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 95 में 15 को माइनस कीजिए, कितना जाएगा, 80। एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 80। ये टू मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, टू से कट जाएगा 40 बार में, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 40। दैट मीन्स फर्स्ट नंबर कितना आ जाएगा, 40, और सेकेंड नंबर इसमें ऐड कर देंगे, फर्स्ट नंबर इक्वल टू 40 और सेकेंड नंबर इक्वल टू 40 प्लस 50 मीन्स 55। यही हम लोग का आंसर है। अब इसमें जितना भी क्वेश्चन है सब सेम बनेगा, जो भी फाइंड करना है उसको एक्स मानिए, और जिस तरह से क्वेश्चन क्वेश्चन के अनुसार जैसे जैसे बोला जा रहा है उसके अनुसार आप प्रोसेस में सॉल्व करते जाइए, सॉल्व हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन है आज हम लोग क्वेश्चन 4-3 क्वेश्चन सॉल्व किए, जो भी क्वेश्चन है ग्रुप में सेंड कर देंगे, जिसके पास बुक है वो देख लीजिए, ना तो नेट में भी मिल जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लीजिएगा, 2.2 का टोटल क्वेश्चन सॉल्व करना है आप लोग का, ये आज का होमवर्क है। धन्यवाद।